और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और डिफरेंट भी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग। सो एज यू नो मैंने आपको जब मैं सेट्स पे थी तो मैंने आपको दिखाया था व्हाट्स इन माय बैग, लेकिन आज मैं आपको दिखानी हूँ व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग। और व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग बनाने के लिए हमें ट्रैवल बैग की जरूरत होगी। सो और दूसरी बैग की वाली एक सेकेंड अभी खत्म नहीं होगा। वेट ओके, सो ये रही मेरी थ्री ट्रैवल बैग्स अभी के लिए। तो आपको पता है और आप लोग सोच रहे होंगे मारा इतने सारे बैग्स, सो वो इसलिए क्योंकि मैं मेरी मतलब मोस्टली मेरी मम्मा की, क्योंकि मम्मा मेरे मतलब पैक करती हैं, तो मेरी मम्मा और मेरा पैकिंग का कुछ डिफरेंट टेक्निक है जो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। और ये हमारे थ्री ट्रैवल बैग्स हैं और हम शायद तीन नॉर्मल हैंड बैग्स मतलब समझ जाओ हम लेके जाते क्या समझ जाए मुझे ही समझ नहीं आ रहा तब। जो हम प्लेन में लेके जाते हैं ना तीन हैंड बैग्स टाइप्स, वो हैंड बैग्स नहीं होंगे, बस वो नॉर्मल सूटकेसेस होंगे क्योंकि आपको पता है एक नया फॉर्मूला शुरू हो गया एयरपोर्ट पे कि तीन लोगों के तीन। हम एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना रहे, कट। इसमें तो टिकट्स रखी है। हम गए थे कहाँ गए थे यार, मुंबई, फ्रॉम मुंबई टू जैसलमेर। ओके, तब से ये बेचारी यही है। ठीक है, नहीं यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले तुम ना मैं सोच क्लियर तो बोलो। अगर आपने मेरा जैसलमेर वाला व्लॉग अभी नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले हम है ना शुरू करते हैं, मैं सोच रही हूँ या ये क्लोथ्स का बाद में करते हैं, पहले एसेसरी या शूज वाला जो हमारा जो सिस्टम है। हाँ, पहले ये बता दो हम किस तरह से पैकिंग करते हैं। हम बहुत डिफरेंट टाइप मतलब सबसे अलग पैकिंग करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, और भी होलो कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा करें, पर अगर आप करते हो तो आप ही बताना कि इस तरह से आपकी अपनी टेक्निक बताइए कि आप कैसे पैकिंग करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा हमारा ब्लू सूटकेस है, इसके अंदर हम क्या रखते हैं मम्मा, हमारे फैंसी करते हैं ऐसे ही नहीं पता, हमारे फैंसी क्लोथ रखते हैं मेरे और मम्मा के, मतलब जैसे जो बाहर पापा की नहीं रखते, पापा को हम दूसरा सूटकेस दे देते हैं और ये हम अपने दोनों के लिए रखते हैं फैंसी क्लोथिंग के लिए, एक साइड मेरा एक साइड मम्मा का। और फिर जब ये दूसरा ब्लू वाला है, इसके अंदर आते हैं हमारे घर के कपड़े, क्लोथ्स मतलब जो भी घर पे हम कंफर्टेबल पहनते हैं, जैसे ये है, वैसे ये मैं भूल ही सकती, ये इसमें जाएगा, ये इसमें, मैं कभी भी पहन सकती हूँ दोनों में। और इसमें हम रखते हैं अपने शूज मोस्टली, तो कभी कभार ये पूरे शूज से ही भर जाता है, लेकिन अगर जगह बचती है तो इसके अंदर हम ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज डालते हैं। तो चलो स्टार्ट करें पैकिंग, अभी तक तुमने सिर्फ बैग ही दिखाए हैं और मेरा दिमाग खा लिया है। और आप लोग का भी। चलो तो लेके आओ। चलो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने एक्सेसरीज एंड शूज से। सो मैं सारी चीजें लेके आती हूँ, लेट्स स्टार्ट पैक। एंड यहाँ पे मेरे पास थ्री चीजें हैं, वन इज कर्लो, सेकेंड वन इज स्ट्रेटनर, ये तो बहुत ऑब्वियस था, और ये है जो हमारे हेयर को ड्राई भी करता है एट द सेम टाइम ये इसे स्ट्रेट भी कर देता है, जैसे आपने सैलॉन्स में कभी गए हो तो देखा होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं कर्लो एंड स्ट्रेटनर, वो तो मेरी मम्मी ही यूज करती है मेरे हेयर पे और ये जो है ये मैं कभी कभी खुद भी करती हूँ, ये तो हम हर जगह कैरी करते हैं। ये तो हेयर का हो गया। हाँ, ये पूरा अभी हेयर एक्सेसरी वैसे रह रही है, हेयर बैंड्स वगैरह। हाँ, सो सेकंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सो ये मैंने शॉप से खरीदे थे नेल एक्सटेंशंस, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किए और मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो मैं इसको आज मतलब यूज करूंगी, इसको मैं पैक कर रही हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ ज्वेलरीज हैं, शायद दूर से आपको अभी दिखेगी नहीं, मैं आपको पास में से दिखाती हूँ। हाँ, मतलब पैकिंग है, इसके अंदर से खोलना पड़ेगा, ये खुल भी नहीं रहा।
यहाँ रख के अंदर रख के ऊपर। सो ये कुछ ये टीका है। यस एंड ये उसकी सेम टू सेम इयररिंग्स हैं। इसके अलावा एक रिंग है बहुत सिंपल सी। देन ये एक सेट है पीकॉक वाला। ये है एक ग्रीन माथा पट्टी और ये सेकेंड वाली माथा पट्टी है ना। ओके और ये है दोनों रिंग्स। इनमें से सारा सामान मेरा नहीं है, मम्मा का भी है। मतलब ग्रीन वाली तो मोस्टली मम्मी की है। तो ये है टू रिंग्स, ये भी एक माथा पट्टी है, ये है वो क्या, ये सारी राजस्थानी ज्वेलरी, ये सारी राजस्थानी ज्वेलरी है। इसको क्या बोलते हैं मम्मा, ये हम नहीं पहनने वाले, ये हम पहनते नहीं है वैसे, बट सेट में आई थी तो मैं बस बता रही हूँ। उसके बाद बाकी और भी सामान है इसमें, बहुत अलग अलग टाइप के, मतलब नेकलेसेस एंड यू नो इयररिंग्स टाइप है। अगर मैं इसके लिए पूरी वीडियो बना दूंगी ऐसा लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं पैक बाद में कर देंगे। वो वाला बॉक्स। सो ये वाला है मेरा फेवरेट बॉक्स पर्सनली। सो खोल रही हूँ मैं। सो इसके अंदर जो मैंने अभी आपको इयररिंग्स दिखाई थी उसका नेकलेस है ये, पर वो दोनों मैंने अलग अलग रखा हुआ है। तो उसके बाद ये है बैंगल्स। बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। ये एक नेकलेस है, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी, सो ये भी मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। ये कुछ इयररिंग्स हैं यू नो मम्मा की। मम्मा देखो आपने अपनी चूड़ियों को क्या हाल, ये तुम बाद में दिखा सकती हो ना ऊपर। ये मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब ऐसे मतलब मैच करके, मैं इतना मैच नहीं करने वाली, मतलब ऐसे मम्मा चूड़ियां पहनेंगी शायद। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक सेट है। ओह माय गॉड, मैंने उसके अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं उसके बाद में निकाल देंगे। ये दो इयररिंग्स आप मेरे को दिखाने दो ना, आप बहुत टाइम वेस्ट कर रही हो, दिखाने दो पूरी 50 मिनट की वीडियो बना दोगी। ये नेकलेस आई डोंट नो हम लेके जाएंगे, बहुत इसको हटा दो, ये नहीं लग रहा है, ये हम पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये दो क्यूट सी पिंक पीकॉक वाली बैंगल्स मेरी है। सो ये मैं पैकिंग नहीं कर रही, मैं यहाँ तोड़ फोड़ मचा रही हूँ। उसके अलावा अलावा न्यू वर्ड, उसके अलावा ये है इसके अंदर मतलब हल्का मतलब ब्रेसलेट है। ये है इसको राजस्थान में बाजू पट बोलते हैं, बाजू बंद बाजू बंद बोलते हैं, बाजू पट नहीं, इसको मतलब यहाँ पे लगाते हैं इतना लंबा है। ये मेरा नहीं है ऑफ कोर्स, मम्मा का है। और उसके बाद ये तुमने बिखेरा है, मुझे लग रहा है मैंने इसको हम अभी दिखा रही हूँ व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग, आई एम नॉट पैकिंग, मैं ट्रैवल बैग दिखा रही हूँ। सो अब बारी आती है शूज की। तो शूज में मैं ये येलो बेरीज लेके जा रही हूँ फॉर हल्दी। एंड उसके बाद हमारे पास ये हील्स हैं, यू नो ये मेरी है, ये मम्मा की है, बहुत ब्यूटीफुल लगी मेरे को, मैंने चूज की है। उसके अलावा ये नियॉन जूती टाइप है, ये भी मेरी है। ये मैं नहीं बताना चाहती थी तो तुम मुझे पता है ये पहन सकती हो, थोड़ा ये मैं पहन सकती हूँ क्योंकि मेरा मम्मा का साइज सेम ही है। उसके बाद ये है मेरी, और अब मेरे को लग रहा है मैंने क्या खरीदा है, कचरा नहीं है ठीक है, तुम्हारी ड्रेस के प्यार, मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच हो रहा है, जबकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे क्या कलर की ड्रेस है ना। उसके बाद मम्मा को ये देखो गाइस, ये मम्मा का है, ये सबसे ब्यूटीफुल है, ये भी बहुत प्रिटी है। अब मैंने इतने ही शूज अभी के लिए, मतलब यू नो एथनिक वेयर के इतने ही शूज हैं, बाकी मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के जाऊंगी एयरपोर्ट पे, वो तो अलग ही होगा। अभी थोड़ा सा बस ये मेकअप का जो हम, और तुम तो मेकअप करती नहीं वैसे, मैं मेकअप नहीं करती, ये जितने भी प्रोडक्ट है आधे से ज्यादा ये सारे की मम्मी की है। तो ये है सन एक्सपोर्ट, नहीं इसका ऐड नहीं करना हमको, है रख दो, कॉम्पैक्ट है ये। ये है प्राइमर जो मम्मा ने मंगवाया है, दो दो प्राइमर मंगवाए हैं, और ये है दूसरा प्राइमर। बाकी ये है दो आई शेडो पैलेट, खोल सकती हो तो, ये तुम शायद थोड़ा सा यूज कर, मैं आई शेडो तो यूज कर सकती हूँ। इसका हाल क्या कर रखा है, ये तुमने ही किया है मुझे पता है, दिखाना दिखाना क्या बेचारे का हाल किया है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ये इतना सब कुछ नहीं छोड़ दो, ये क्लीनिंग वाइपिंग दर्दम। इसके बाद ये रोज टोनर जो टोन करता है, पता नहीं छोड़ो तुम। ये है मेकअप रिमूवर क्लेंसर, जो भी बोलना चाहो बोल दो। ये क्या चीज है मामा? ये कुछ मैंने ट्राई किया था ना तुम्हारे पर, वही वाला है। ये गोल्डन ग्लिटर है, आप अपने मुंह पे छिड़कते हो और आपका मुंह गोल्ड की तरह, स्टार की तरह चमकता है। उसके बाद ये एक नेल पॉलिश है। मैं दूसरी बार नहीं गिराना चाहती इसे। सो ये है पर्पल, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो ये सब। आई शेडो है, मेकअप क्यों दिखा रही हो, मेकअप तुम्हारा तो है नहीं। आई शेडो है। उसके बाद तुम भी, अगर तुमने कुछ भी गिरा दिया, फाउंडेशन, लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं है इसके अंदर, फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन है। इतने फाउंडेशन नहीं लगाती मैं, ओके? एक फाउंडेशन, एक कंसीलर होगा और एक कंसीलर है और एक मस्कारा है, सॉरी दिखिए। हाँ बस ये कुछ है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा देखने में, तो जरूरत हो गया। इसको मैं वापस बंद कर रही हूँ सब कुछ, एंड फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं, जिसके बारे में मेरे को भी पता नहीं है नेक्स्ट कैटेगरी है क्या। सो अब है बारी हमारी शादी के कपड़े की कैटेगरी की। इतनी लंबी कैटेगरी है तो मैं आपको कैटेगरी में पहला आउटफिट दिखाऊंगी, एकदम खोल खोल के नहीं दिखाऊंगी वरना इनकी प्रेस खराब हो जाएगी। तो साथ में दिखाओ पूरा। हाँ तो ये है राजस्थानी ड्रेस जो मम्मा की है, ये थोड़ा ग्रेश कलर की, तो मम्मा की दूसरी राजस्थानी ड्रेस प्लेन है इससे थोड़ी सी, और ये ऑरेंज कलर की है। मेरी वाली है और ये है मेरी राजस्थान ड्रेस, और ये वाइन जिस तरह से कर रही हूँ ना उसकी प्रेस तुमने ऑलरेडी खराब कर दी, इससे कर रहे हम खोल नहीं रहे। हाँ हाँ ये क्या मतलब हुआ। हाँ ये है मेरी वाइन कलर की राजस्थानी ड्रेस, तो ये मेरी राजस्थानी ड्रेस है। और अब मैं आपको सारे कपड़े नहीं दिखाऊंगी, और ये है मेरा एक सूट जो मैंने ऐसे ही लेना है, मतलब ऐसे ले लिया है बस। ये बहुत प्रिटी है, लेकिन ये लैवेंडर कलर का है एंड इट्स वेरी प्रिटी। अब इसको फोल्ड कौन करेगा? मैं कर दूंगी, रख दो आराम से। मैं इसको अच्छे से रख रही हूँ। दूसरे कपड़ा, दूसरा कपड़ा वेट करो पकड़ा के। ये भी मेरा है, ये है मम्मा का, ये पर्पल कलर का भी मम्मा का एक सूट है, तो मेरी पैकिंग कर लो। अच्छा मैं तुम्हारा, और ये मैं आपको सिर्फ कलर दिखाऊंगी गाइस, मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी इससे ज्यादा। ये क्योंकि अगर पीचिश ऑरेंजिश जो भी बोलना चाहो उसको बोल सकते हो, ये है। और यहाँ पे आपको हल्का सा डिजाइन दिखा रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं दिखने को मिलेगा। उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे डालेंगे हम। हाँ सो प्लीज फॉलो मी, मतलब फॉलो करोगे आप तो पिक्चर दिखेगी आप, इससे करके उठा लो वरना नहीं देख पाओगे। ये एक और है मेरा लहंगा टाइप, मैंने बता ही दिया, और इसका मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस फैब्रिक पता चल सकता है, नहीं मिलेगा। ये वाला आके ले जाओ। मेरी थर्ड ड्रेस, मेरे को लगता नहीं कि सब इसमें आएगा। ये कैसे पैक करेंगे मामा? उसके बाद ये है मेरा एक और लहंगा, ये है मेरा एक और लहंगा। अब आप इसे बंद करते हैं। कुछ बच गया क्या, कुछ रह गया क्या तुम्हारे कबर्ड में कोई? आई थिंक मम्मा के कुछ कपड़े, मेरी अच्छा वो मेरी साड़ी, साड़ी रह गई है जो मतलब है इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट मेरे कपड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब, ये है हमारे कपड़े, अब इसे हम बंद करेंगे। वो एक बहुत बड़ा टास्क है, मुझे लगता है मैं बड़ी वाली बैग लेना चाहिए इसके लिए। हमने गलत चूज किया, पता है इन शादी वाले कपड़ों वाली कैटेगरी को हमें एक बड़े सूट के इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल हो गई है। क्या कर सकते हैं, ये मेरा कुर्ता रह गया, ये भी एक एक्स्ट्रा। अभी मेरा तो कुछ रखा ही नहीं है। मम्मी की साड़ी है कुछ शायद दो तीन, उसको भी हमें रखना है। और अब गाइस मेरे को बहुत काम करना है, अगर मैं ऐसे ही आपको दिखाने लग गई ना तो मेरा तो पूरा मतलब सोचो तुम्हारा वो रह गया, पैकिंग ही पैकिंग हो जाएगी बस। ये वाला तुम्हारा, ये बैग भी है, ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारी स्टडी, नाइट के कपड़े, तुम्हारी बुक्स किस में रखोगी तुम? बुक्स भी तो रखनी है क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के साथ साथ मेरे को वेडिंग भी अटेंड करनी है, तो उसके अंदर मेरी बुक्स आएंगी और मेरे को बहुत पैकिंग करनी है। तो उसके आज के लिए बाय बाय टाटा, सी यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।